हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको एनवायरनमेंट स्टडी का ये तीसरा वीडियो लेके आए हैं। एनवायरनमेंट स्टडी पार्ट थर्ड, तीसरा वीडियो। इसमें आज हम चर्चा करेंगे जो पर्यावरण के संपूर्ण घटकों के बारे में पिछले लास्ट वीडियो में, जो सेकेंड वीडियो था, उसमें हमने चर्चा करी थी कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। कि भाई स्थल मंडल ये कितने परसेंट होता है पूरे पृथ्वी का, 29%। जलमंडल पृथ्वी के कितने परसेंट पार्ट पर वाटर होता है, 71% वाटर। वायुमंडल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने दिया था, जिसे हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। इसके बारे में हमने पिछले लास्ट वीडियो में चर्चा करी थी कि भाई ये गैसों के मिश्रण से बना है, और जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएँ होती हैं सब ये यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ गैसों के मिक्सचर के बारे में बात हुई थी कि नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम होता है ऑक्सीजन का, बकाया अन्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और आर्गन गैसें जो इनर्ट गैसें होती हैं वो होती हैं, और इन तीनों से मिलकर बनता है हमारा जैव मंडल। तो ये हमने पिछले लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। आज हम इसके आगे चलेंगे कि वायुमंडल वास्तव में कितनी लेयर से मिलकर बना होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इस पार्ट से। तो हम ये वाला पार्ट लेके चलेंगे, वायुमंडल वाला पार्ट लेके चलेंगे कि वायुमंडल कितनी लेयर से डिवाइड है। जैसे जैसे धरातल से हम ऊंचाई पर बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे गैसों के घनत्व में कमी आती चली जाती है, वाटर वेपर में भी, जो वाटर ह्यूमिडिटी है वो भी, उसमें भी अंतर आता चला जाता था, और जो मौसम संबंधी जो घटनाएँ होती हैं वो भी अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार होती हैं। तो एक बार हम फिर थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जो पर्यावरण संरक्षण हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हम लोगों ने बेतरतीब तरीके से प्रकृति प्राकृतिक संसाधनों का बुरी तरीके से दोहन कर डाला है। आज हम और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्राकृतिक संसाधनों को कैसे बचाया जाए। उसी के लिए ये एक एजुकेशनल प्रयास है कि हम पर्यावरण स्टडी को अलग अलग तरीके से उसकी स्टडी करके उसके बारे में जानने की कोशिश करें कि वास्तव में हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। तो इसकी बारीक पॉइंट की तरफ हम फोकस करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे वायुमंडल के बारे में। तो ये हमारा वायुमंडल का एक रेखांकित डायग्राम है, जिसमें ये समझाया गया है कि धरातल से जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ ऊपर बढ़ते चलते हैं, उठते चले जाते हैं, वैसे वैसे गैसों की सांद्रताओं के आधार पर उन लेयर का क्लासिफिकेशन हम करते हैं, या उनका वर्गीकरण पहले ही से है। किस आधार पर? गैसों के सांद्रता के आधार पर। क्योंकि कहीं कहीं ज़्यादा डेंस हो, कहीं कहीं सघन माध्यम होता है, कहीं विरल माध्यम होता है, तो ये निर्भर करता है कि तापमान कितना है, सतह का तापमान कितना है, और जो सन रेडिएशन आ रहा है वो रेडिएशन कितना है, इस आधार पर इनका माध्यम तय होता है। तो ये जैसे कि सतह है धरातल, अब सतह से, पृथ्वी सतह से धरातल से 17 से 18 किलोमीटर हाइट पर हमें ट्रोपोस्फीयर मिलती है, क्षोभ मंडल। ये 17 से 18 किलोमीटर की हाइट पर मिलती है, इसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं या ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं, इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, परिवर्तन मंडल। क्योंकि परिवर्तन इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी मौसम संबंधी घटनाएं इसमें परिवर्तित होती रहती हैं, बादल बनने की घटनाएं इसमें होती हैं, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं, कभी कभी पूछा गया है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस लेयर में होती हैं, वो होती हैं ट्रोपोस्फीयर में होती हैं, जो बादल बनने की घटनाएं होती हैं वो इसी लेयर में होती हैं। अभी हम पहले एक रनिंग में आपको हम ये बताए थे इधर किस हाइट पे कौन सी लेयर मिलती है, फिर लेयर में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है वो भी हम बताएंगे। तो 17 से 18 किलोमीटर हाइट पर हमें ट्रोपोस्फीयर मिलती है, 20 से कहीं कहीं किन्हीं बुक में 20 से होगा, कहीं कहीं 25 है, लगभग 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें ओजोन, ओजोन की लेयर मिलती है, जिसे हम ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। 50 से 60 किलोमीटर की हाइट पर हमें स्ट्रेटोस्फीयर मिलती है, या जिसे हम समताप मंडल भी कहते हैं। 80 किलोमीटर की
80 से 85 किलोमीटर की हाइट पर हमें मीजोस्फीयर मिलती है, जिसे मध्य मंडल भी कहते हैं, और 400 से 480 किलोमीटर की हाइट पर आयनोस्फीयर या तापमंडल या थर्मोस्फीयर की लेयर हमें मिलती है, जिसे हम 480 किलोमीटर की हाइट पर जो लेयर पाई जाती है उसे थर्मोस्फीयर कहते हैं। और उसके ऊपर की जो लेयर होती है उसको हिस्सा जो होता है लगभग 1000 या 900 से 1000 किलोमीटर की हाइट पर एग्जोस्फीयर हमारा शुरू हो जाता है, यानी कि वो हमारे वायुमंडल की आखिरी सीमा होती है। और उसके बाद फिर हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट शुरू होता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मीन्स जिस कक्षा में जो हमारे भू स्थैतिक जो ऑर्बिट होते हैं, सैटेलाइट होते हैं जिन्हें हम पृथ्वी से लॉन्च करते हैं, वो ऑर्बिट जो सैटेलाइट होते हैं वो इन्हीं ऑर्बिट में हमारे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये वही ऑर्बिट होती है जिसे बोलते हैं भू स्थैतिक कक्षा, यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसमें पृथ्वी से छोड़े गए सैटेलाइट निरंतर पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं। तो अब देखिए किस लेयर में क्या क्या होता है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो ट्रोपोस्फीयर जो होती है वो विषुवती रेखा पर लगभग 17 से 18 किलोमीटर ऊंचाई पर हमें मिलती है, लेकिन ध्रुव जो ध्रुव वाले पोर्शन है पोल्स पर इसकी ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर। पोल्स पर ट्रोपोस्फीयर की हाइट होती है लगभग 8 से 9 किलोमीटर होती है। और उसके बाद ये हमारा ओजोनोस्फीयर शुरू होता है। ये ओजोन यानी कि ओजोन की सांद्रता जो लगभग पाई जाती है 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है। ओजोन की कंसंट्रेशन 50 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है, हमारी समताप मंडल पाई जाती है। और इस कभी कभी होता क्या है, जो हमने भी बताया था कि मौसम संबंधी घटनाएं इसमें होती हैं, जो भी बादल बनने की घटनाएं होती हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। लेकिन जब किसी आकस्मिक घटना के फलस्वरूप ये जो संघनन की प्रक्रिया है, बादल बनने की घटनाएं हैं, वो समताप मंडल के थोड़ा सा ऊपर, यानी कि जलवाष्प यहाँ ऊपर पहुंच जाती है, समताप मंडल के ऊपर पहुंच जाती है, तो कभी कभी कुछ मेघ बन जाते हैं। मेघ मीन्स बादल। तो समताप मंडल के ऊपर बने हुए मेघ को मूलाभ मेघ कहते हैं, जो कि हमेशा नहीं बनते, कभी कभार यदा कदाई बनते हैं, उनको हम मदर ऑफ पियर क्लाउड भी कह सकते हैं। एक बार आया था एक कंपटीशन में कि मदर ऑफ पियर क्लाउड क्या होता है। तो कभी कभी जब कंडेंसेशन की प्रोसेस समताप मंडल के ऊपर हो जाने से बनना जो क्लाउड होता है, बादल होता है, उसी बादल को हम मूलाभ मेघ या पियर क्लाउड कहते हैं। मध्य मंडल में लगभग 80 से 85 किलोमीटर की रेंज में हमारा मीजोस्फीयर होता है। तो हमारा समताप मंडल से और मीजोस्फीयर तक ताप क्या होता है, कम होता चला जाता है। और जबकि समताप ट्रोपोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर तक ताप धीरे धीरे बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो कभी आ जाए कॉन्सेप्चुअल है कि किस लेयर से किस लेयर तक ताप बढ़ता है और किस लेयर से किस लेयर तक ताप घटता है। तो अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा दिमाग में रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये देखिए स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर तक ताप बढ़ता है और स्ट्रेटोस्फीयर से मीजोस्फीयर तक ताप कम होता चला जाता है, टेम्परेचर कम होता है। आयनोस्फीयर में क्या होता है, जो गैसों के जो कण होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, किसके द्वारा, जो सौरीय विकिरण आता है। तो यहां पर ज्यादातर आयंस की गैस के अणुओं के आयनित होने के फलस्वरूप जो आयन डेवलप होते हैं, एक आयन की एक परत रहती है। और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इसका तो अधिक होता है लेकिन इस लेयर में उस अधिक टेम्परेचर का अनुभव नहीं होता। जैसे कि लगभग इसका टेम्परेचर 1600 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड इस लेयर का तापमान होता है, इस हिस्से का तापमान होता है। सोचिए कितना अधिक तापमान होता है, लेकिन इस इतने अधिक तापमान का अनुभव नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर जो माध्यम है वो बहुत विरल हो जाता है गैसों का। और इसके ऊपर की सीमा एग्जोस्फीयर, जिसे बाहरी आवरण कहते हैं, और इसके बाहर की कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब दोबारा से देखिए इसमें आते हैं कि कभी कभी पूछा जाता है कि जेट जो प्लेन होते हैं या जो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें होती हैं वो किस लेयर में पॉसिबल होती हैं और जो घरेलू जो उड़ानें होती हैं वो किस लेयर में होती हैं। तो आपको यह जानकारी के लिए बता दें कि जो लगभग घरेलू उड़ानें होती हैं या जो हेलीकॉप्टर उड़ाने की जो घटनाएं पॉसिबल होती हैं वो ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। इसमें
घरेलू उड़ान या जो हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं वो इसी में उड़ाए जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर की रेंज में उड़ाए जाते हैं, और जो अंतरराष्ट्रीय जो उड़ानें होती हैं वो इसमें होती हैं, जो जेट प्लेन वगैरह उड़ाए जाते हैं ये इसमें होती हैं, जेट प्लेन इसमें। तो इस तरीके से कभी कभी पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए चूंकि माध्यम थोड़ा सा विरल चाहिए, सघन नहीं चाहिए, क्योंकि गैसों की कंसंट्रेशन ज़्यादातर ट्रोपोस्फेयर में होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो कंसंट्रेशन, गैसों की कंसंट्रेशन सांद्रता थोड़ी धीरे धीरे घटती चली जाती है। और इसके बाद इसमें क्वेश्चन और कैसे पूछे जा सकते हैं हम आपको ये बताते हैं। इस डायग्राम से एक क्वेश्चन हमेशा हर कंपटीशन में आता जाता रहता है, कभी कभी इन लेयर का क्रम पूछ लेते हैं, या तो ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। जैसे कि पूछ लेंगे कि नीचे से ऊपर, धरातल से ऊपर, वायुमंडल ऊपर ऊपर की तरफ जाने पर इन लेयर का क्रम क्या होगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और आयनोस्फेयर। अब इसमें कई अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं, कहीं कहीं ऐसा आगे कर देंगे तो टी एम आई ऐसे अलग अलग कर देते हैं। तो क्रम थोड़ा याद रखिएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सबसे धरातल से ऊपर जो सबसे पहली जो परत होती है वो परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर। उसके ऊपर की, अगर हम इन दोनों के बीच की बात करें तो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में ओजोनोस्फीयर होती है, यानी कि ओजोन मंडल भी कहते हैं जैसे, या ओजोन की लेयर होती है। ये ओजोन लेयर होती है, हाइट करीब होती है, मतलब इस स्ट्रेटोस्फीयर के लगभग इसी रेंज में होती है, 25 से 30। अगर ऊपर ऊपर से नीचे पूछे तो फिर सबसे पहले कौन आ जाएगी, आएगी हमारी, जैसे कि ये तो बाहर, इसे बहिर्मंडल भी बोलेंगे, एक्जोस्फीयर। उसके बाद जो होगी वो आयनोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर आपका स्ट्रेटोस्फीयर, फिर ओजोनोस्फीयर, फिर ट्रोपोस्फीयर। तो इस तरीके से ये हमारी लेयर का क्रम होता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ये हमें याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही है। अब इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर का स्तर किन दो लेयर के बीच में होता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है हमारा। अगला क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है इस डायग्राम में से कि किन किन लेयर के बीच टेम्परेचर बढ़ता है और किन लेयर के बीच टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज, कम होना या बढ़ जाना। तो देखिए जरा, यहां से ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर के बीच टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, और स्ट्रेटोस्फेयर से मीजोस्फेयर के बीच तापमान कम होता है, और फिर आयनोस्फेयर के बाद टेम्परेचर पुनः फिर धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ होता है। ये थोड़ा एक रणनीति के तहत दिमाग में रखिएगा। अगर गैसों के कंसंट्रेशन की बात करें तो नीचे से ऊपर जाने पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन वैसे भी ज्यादा रहती है, प्रतिशत मात्रा भी ज्यादा है, लेकिन ये सबसे ये यहां पर कम होती चली जाती है, और उससे अधिक ऑक्सीजन की, फिर उससे अधिक हाइड्रोजन की। यानी कि जैसे जैसे हम इन स्तरों के ऊपर उठते चले जाएंगे वैसे वैसे इन गैसों का स्तर भी बढ़ता चला जाता है। और अगर हाइट के रूप में बात करें तो नाइट्रोजन का जो लेयर रहता है, लगभग नाइट्रोजन की जो लेयर रहती है वो 128 किलोमीटर तक रहती है, ऑक्सीजन की जो रहती है 64 किलोमीटर तक रहती है, और हाइड्रोजन की जो रहती है 125 किलोमीटर तक, मतलब कि ये पाए जाने की संभावना है। इसमें 5-10 किलोमीटर का डिफरेंस हो सकता है, मतलब हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन पाई गई है वो धरातल से 125 किलोमीटर की हाइट तक पाई गई है, और ऑक्सीजन की सबसे कम रेंज तक पाई गई है 64, और उससे भी कम CO2 की पाई गई, यानी कि CO2 का जो कंसंट्रेशन होता है वो धरातल के सबसे नजदीक रहता है। इसलिए ये ग्लोबल वार्मिंग वाली भी गैस है, क्योंकि ये जो सन रेडिएशन को, जो हीट को, धरातल की जो परावर्तित हीट है उसको वापस नहीं जाने देती है, ये कौन, CO2।
और इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि एक तो ये हमने नया बताया है कि मूलाभ मेघ क्या होते हैं, तो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर संघनन के फलस्वरूप बने मेघ को, आकस्मिक बने मेघ को हम मूलाभ मेघ कहते हैं। एक और क्वेश्चन कि बादल बनने की घटनाएं किस इस तरह में हो सकती हैं, होती हैं, बादल बनने की घटनाएं होती हैं हमारी क्षोभ मंडल में या ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं इस डायग्राम से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो लगभग सभी के बारे में हम बता चुके हैं कि जितनी भी जो मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं, बादल बनने की घटनाएं होती हैं, झंझावत तूफान आते हैं, वो इस रेंज में आते हैं, ट्रोपोस्फीयर वाले क्षोभ मंडल वाले लेयर में आते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा इस वीडियो का टॉपिक आज कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में जो हमारा अगला टॉपिक होगा इसी का, एनवायरमेंट स्टडी का, उसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड हम आपको पॉल्यूशन टॉपिक के बारे में बताएंगे, पॉल्यूशन के किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण को के लिए अगर कोई रुकावट नुकसान पहुंचा रहा है तो वो पॉल्यूशन ही पहुंचा रहा है, और पॉल्यूशन ये कैसे क्रिएट होता है और इसको कैसे रिमूव किया जाए, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि हम और आप मिलकर किस तरीके से पर्यावरण के प्रदूषण को कम से कम कर सकते हैं और इस प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो पॉल्यूशन से रिलेटेड होगा। तो इसी के साथ यदि आपको इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ और जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो वो कमेंट के रूप में हमें ज़रूर बताएं, और कोई क्वेश्चन यदि आपके दिमाग में आता है कंपटीशन से रिलेटेड तो उसके भी बारे में आप हमें कमेंट के बारे में ये वीडियो देखकर ज़रूर बताइएगा।